नॉर्मल नहीं हो तो तुम पूजा में नहीं बैठ सकते हो, तुम बिलोंग ही नहीं करते हमसे, तुम्हारा हक नहीं है हमारे साथ उठना और हमारे साथ बैठना। जब तक सोसाइटी पूरा मुझे वो एक्सेप्ट कर नहीं लेता है कि तानिया इट्स लाइक नॉर्मल लड़की है जैसा और भी कई लड़कियां हैं, वो हमेशा से विश और वो सपना हमेशा से रहेगा। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति है जिनकी जिंदगी में संघर्ष की शुरुआत बहुत कम उम्र से हुई थी। खेलने कूदने की उम्र में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, पर उन्होंने हार मानी नहीं। बड़ी जिद्दी से, स्ट्रेंथ से और पॉजिटिविटी से उन्होंने अपनी सारी ऑब्स्टिकल्स को दूर किया। शी इज नाउ जुम्बा इंस्ट्रक्टर, एस्पायर्स टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट एंड अ सोशल वर्कर। प्लीज वेलकम मिस तानिया सोनी। हेलो, वी कैन नॉट डिबेट ऑन द फैक्ट दैट यू हैड एन एक्सट्रीमली कम्प्लीटली डिफरेंट चाइल्डहुड फ्रॉम एनी अदर चाइल्ड। सो आपके मन में कोई ऐसे विश नहीं थी कि काश इस ऐसा होता तो शायद आज मेरे रास्ते अलग होते? ऑनेस्टली जब मैं छोटी थी, लाइक जब मुझे नहीं पता था कि मम्मी सेक्स वर्कर है, मैं एक एज अ सोसाइटी के थॉट से मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, या फिर मेरी जिंदगी जो अब आने वाली या होने वाली है वो नॉर्मल नहीं है। अगर वो चीज़ का मुझे रियलाइजेशन बचपन में ही होता तो शायद मतलब मुझे जो मैं हूँ शायद वो आज मैं बन नहीं पाती। एक ऑनेस्ट बात ये है, क्योंकि आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरी जो जर्नी रहा है उसके वजह से मैं आज इतना स्ट्रांग हूँ। मतलब वेदर लाइक नो कुछ भी करना लाइफ में, छोटे से छोटे चीजें भी करना, वो बहुत स्ट्रेंथ लगता है उसे करने के लिए, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसे कुछ भी करने के लिए। तो अगर विश की बात कही जाए तो वही मैं बोलूंगी कि लाइक बचपन में पता ही नहीं था ना कि इतने सारे चीजें हैं, ऐसे सब लाइफ है और ऐसे भी होते हैं, तो ये सब नहीं पता था तो कभी था ही नहीं। मुझे लगा था मैं भी एक नॉर्मल एक टीनेजर जिनको मैं देखती थी मेरे आजू बाजू में, नॉर्मल खाते पीते घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, मस्त मजे करते हैं, फिर फेस्टिवल के टाइम पे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये जजमेंट ही क्या होता है, ये लोगों का कहना क्या होता है, ये किसी का तुम्हारे ऊपर उंगली उठाना क्या होता है, ये सब का कुछ हमें पता ही नहीं होता है। तो उस हिसाब से मतलब विश कुछ नहीं था, तो पर एक आशा थी अंदर ही अंदर कि मैं भी नॉर्मल जगह से, काश मैं नॉर्मल जगह से बिलोंग करती, काश मैं एक सेक्स वर्कर की बेटी ना होकर एक नॉर्मल की बेटी होती। ऐसे भी एक टाइम था होता था, बिकॉज दुनिया से तुमको यही बताते कि तुम सेक्स वर्कर की बेटी हो तो तुम गलत हो, तुम बिलोंग ही नहीं करते हमसे, तुम्हारा हक नहीं है हमारे साथ उठना और हमारे साथ बैठना। मैं ऐसे भी टाइमों में जी के आई हूँ जहाँ पे मुझे ऐसे ट्रीट किया गया है कि तुम नॉर्मल नहीं हो तो तुम पूजा में नहीं बैठ सकती हो, बिकॉज तुम्हारी मम्मी सेक्स वर्कर तो तुम अशुद्ध हो, क्योंकि हम सेक्स टर्म को इतना गलत वे में वो करते हैं। तो मेरा विश हमेशा से ऐसा ही रहा है, और कहीं ना कहीं ऑनेस्टली सेम आज भी वो विश है कि विश बोल सकते हो आप, सपना बोल सकते हो कि लोग बस मुझे नॉर्मल देख ले, कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप जैसे जो भी करते हो मैं भी वही सारी चीजें करती हूँ, हमारा सबका वे अलग होता है, पर एट द एंड इंसान क्या चाहता है लाइफ में, खुश रहना, राइट। मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ जिंदगी में, तो मेरा शायद अभी तक और आगे भी जब तक वो पूरा नहीं होता, जब तक सोसाइटी पूरा मुझे वो एक्सेप्ट कर नहीं लेता है कि तानिया इट्स लाइक नॉर्मल लड़की है जैसा और भी कई लड़कियां हैं, वो हमेशा से विश और वो सपना हमेशा से रहेगा कि लोग मुझे, नॉट जस्ट मुझे और कई सारे चीजों को लोग नॉर्मल देखना स्टार्ट कर ले, वो शायद से बहुत सारे लड़कियों का शायद और मेरे जैसे कितनी तानिया है जिनकी ये सेम सपना होगा कि हमें जस्ट नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर ले। इवन जो लड़कियां काली होती है या फिर जिनका नाक नक्शा थोड़ा अलग होता है, जिनका यू नो फिर वे ऑफ ड्रेसिंग्स अलग होते हैं, ऐसे होते हैं, उनको भी लोग नॉर्मल देख ले, शायद ये विश सारे हर एक लड़कियों से आप जाके पूछोगे तो होगा। तो मेरे लिए ऑनेस्टली बोलो कि मुझे कभी दुख नहीं हुआ इस बात से कि मैं मतलब सेक्स वर्कर के घर में पैदा हुई हूँ या फिर उसकी बेटी बनी हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीजों से गुजरना पड़ा। अगर मैं नहीं होती उस जगह पे, शायद कोई और होती थी मेरी जगह पे, तो ये एक चीज मेरे अंदर हमेशा से रहा है, तो उस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये एक टर्म सपना अगर जब आता ना तो मुझे ऐसे लगता है लोग साला मुझे एक नॉर्मल तरीके से देख ले वही बस हो गया मेरे लिए, तो मैं सपना कुछ और नहीं बोल सकती हूँ। You are now a Zumba instructor. Yeah. You aspire to be a flight attendant. You work for, you are a social worker, right? You said ki you work for a social on a social platform for Save a Child. Yeah. So how was your journey from being an ordinary girl to
never thought of. It's a dream, which a dream which I never saw, but still came true. So ये बोल सकते हो कि सपना मैंने जो देखा नहीं वो सपना सच होके मेरे आंखों के सामने, मैं जी रही हूँ उसे, खेल रही हूँ सपने के साथ, घूम रही हूँ, कुछ भी लाइक कर रही हूँ. हाँ, खुशी होती है बहुत. लाइक जब एक टाइम होता है जहाँ पे लोग ताना देते हैं, जहाँ पे लोग ऐसे सब सुनाते हैं कि तुम ऐसी वैसी, ये यहाँ से आते, तुम्हारा बैकग्राउंड ये है, तुम्हारा कम्युनिटी एक ये है. और जब मैं मेरी स्टोरी देखती हूँ या मैं जब मेरी जर्नी बैक देखती हूँ तो प्राउड होता है खुद के ऊपर और उन सारे लोगों के ऊपर जिसने मुझे नॉर्मल फील कराया, उन सारे लोगों के ऊपर जिन्होंने मुझे ये कहा है कि जो भी हुआ है तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो. बिकॉज एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बींग, सो यू हैव ऑल द राइट टू बी अ नॉर्मल, राइट टू बी ट्रीटेड, टू बी लव एंड टू बी एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इंक्लूडेड. सो प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है. और उससे भी ज्यादा ये लगता है कि जो मैंने सपनों भी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीजें करूंगी. मैं सच्ची बोलूँ, लाइक बींग रेप फॉर माई स्टेप फादर फॉर मेनी ईयर्स, आई नेवर थॉट टू बी यू नो बिकम अ डांसर और समथिंग, टू बी अ फॉल इन लव विद माई बॉडी अगेन, नेवर थॉट ऑफ दैट. So it is a very big step to, you know, to accept yourself, to, you know, criticize from many people, but still you have to go against all of this and, you know, accept yourself ki haan tum sundar ho, kuch bhi ho tum sundar ho, because tum ho aur tumhe kisi aur cheezon se define nahi kara ja sakta hai. So wo cheezon se ek khushi milti hai. To jab bhi main ise sunti hu ya kisi aur se sunne milta hai to acha lagta hai ki chalo haan maine bhi kuch alag kiya hai main. Aur उससे भी फनी बात, लोगों के लिए फनी लगता होगा या फिर मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि कैसा है ये चीज, पर मुझे लगता है सच्ची में कि मैं नॉर्मल लड़की, अगर तुम मुझे काउंट भी नहीं करते फिर भी मैं तुम लोगों के सबके अलग होके भी मैं यूनिक हूँ. मैं तुम लोग जो नॉर्मली कर सकते हो वो नॉर्मल ना होके भी मैंने किया है. सो आई एम यूनिक, राइट? सो इट टुक्स मेनी इयर्स टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बट या आई एम हियर टुडे टू एक्सेप्टिंग, एंड इट इज ऑल थैंक्स टू क्रांति, माय थेरेपिस्ट, एंड ऑल द पीपल हु ऑलवेज मेड मी फील लाइक आई एम लव्ड, आई एम वर्थ टू लिव, आई एम देयर, लाइक मैं एक वजह हूँ जीने का और मेरे पास वजह है जीने का. सो मैं उस हिसाब से बहुत ये खुश हूँ. जैसे क्रांति आपकी मार्गदर्शक हुई है, वैसे हाउ विल यू प्लान टू हेल्प एनी अदर अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड? सो इसीलिए मैंने रिसेंटली जुम्बा के थ्रू और क्रांति के आज तक मैंने जो भी सीखा, जो भी किया क्रांति के थ्रू, उसको ही मैंने कंबाइन करके मैंने मेरा एक ओन वर्कशॉप चालू किया विच कॉल्स अ लिटिल हैप्पीनेस. क्योंकि हम सभी जीते खुशियाँ के, हम कुछ भी करें जिंदगी में हम ढूंढते क्या है, खुशियाँ. हम चाहे एक डैड एक फैमिली के लिए कमाता है, एक माँ एक बेटी के लिए खाना बनाती है, या फिर आप अपनी मम्मी को खुश करने के लिए कुछ बन जाते हो, वो हम क्यों करते हैं? खुशियाँ ढूंढने के लिए. हमारे लिए मैटर क्या करता है? खुशियाँ. तो मैंने इसी थॉट के साथ मैंने खुद का वर्कशॉप प्लान किया और उसको मैंने नाम दिया अ लिटिल हैप्पीनेस. क्योंकि हम छोटी छोटी खुशियाँ ही बांट सकते हैं. मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है, मैं छोटी खुशियाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ. क्रांति ने मुझे बहुत सारे बड़े खुशियाँ दिए हैं, पर मेरी कैपेसिटी में यह है कि मैं छोटे से स्टार्ट कर सकती हूँ. मुझे नहीं पता मैं कई और सालों में बड़ा डोनर बन जाऊंगी या फिर मैं एयरोस्टेस बन गई तो मैं आई वॉन्ट टू बी दैट, बट कब बन जाऊंगी मुझे नहीं पता. पर आज के मोमेंट में, ये प्रेजेंट मोमेंट में मैं खुशियां बांट रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. तो आई हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट डिफरेंट स्लम्स एरियाज ऑल ओवर द मुंबई, इवन इन साउथ. सो मैं ऐसे अलग अलग जगहों पर जाती हूँ, जुम्बा क्लासेस देती हूँ विच इज फ्री. मोस्ट ऑफ आई फोकस इन एनजीओ एंड किड्स, बिकॉज मैं जब बच्ची थी तो मुझे किसी ने ऐसे सपोर्ट नहीं किया था डांस को लेके. तो वो गिल्ट हमेशा से होता था कि यू नो काश मेरे लिए कोई क्लासेस के लिए बोलता था, या फिर वो फीस दे देता था, या फिर बोल देता था चल तू मेरे क्लास में आके फ्री में सीख ले करके. मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं था. तो मेरे लिए हमेशा था कि वो प्लेटफॉर्म मैं बच्चों के लिए क्रिएट करूँ. सो अगेन, सो दैट्स व्हाई आई चूजेस दैट एज माय शेयरिंग एंड गिविंग टू माय कम्युनिटी बैक टू व्हाटएवर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम. बिकॉज मैंने जस्ट नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली भी लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है. सो मैं वो नहीं भूल सकती. तो ये मेरा सब तुम बोल सकते हो, या फिर ये मेरा देन टू मेरा कम्युनिटी बोल सकते हो कि मैंने ये छोटे छोटे चीजों में ट्राई किया है देना. आगे आई डोंट नो, मैं दुआ करूंगी भगवान से या ऊपर वाले जो भी होते हैं उनसे कि यू नो मेरे लिए कोई भी भगवान, लाइक यू नो अल्लाह हिंदू लाइक गणपति या कुछ भी अलग नहीं है. मेरे लिए भगवान एक ही है. मुझे ऐसे बिलीव है कि ऊपर कोई तो है, एक इंसान है वो सबको संभालता है.
तो मुझे उनसे ऐसी दुआ वैसे ही है कि यू नो वो मुझे हमेशा ऐसे सिर्फ स्ट्रेंथ दे, बाकी सब मैं करूंगी, बस मुझे स्ट्रेंथ दे, मैं कमाऊंगी भी खुद, बांटूंगी भी खुद, सब मैं करूंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करती हूँ। सो अभी रिसेंटली जब मुझे याद है, बहुत खुशी हुआ था, वो बहुत छोटा चीज था, मैं तभी नहीं अर्न करती थी, अभी लाउन आवा अर्न, बट उस टाइम पे नहीं, जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन आया था, उस टाइम पे मेरे पास कुछ 5000 रुपीज थे शायद, जो मैंने बहुत टाइम से जमा करके रखे थे। और हम क्रांति में हम लोग पूरा जो दादर में जो हॉस्पिटल है कैंसर का, वहाँ पे हम लोग पूरा टाइम फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हम पूरे ऑल ओवर द मुंबई, कमाटीपुरा एंड देन अदर स्लम्स एरिया, वहाँ पे सब जगह राशन बांट रहे थे। तो एक दिन ऐसा था कि बांदी आई और उनके घर के पास मलाड में कोई रहते है, और उनके हस्बैंड काम छोड़ दिया और उनके बेटी को कुछ ऑपरेशन करना था और उनके पास लिटरली पैसे नहीं थे। तो हम ट्राई कर रहे थे कि हम क्या करें, हमारे से क्या हो सकता है। सो हम सारी लड़कियों ने, लिटरली वी वर 13 और 14, हमने सब ने मिलके हमने 1000 रुपीज, 500 रुपीज हमने अपने सेविंग्स लाइक अपने पॉकेट मनी में से निकाल के दिया, और हमने बोला कि उनको सेंड करो, वो राशन क्यों भरा है, वो हॉस्पिटल से मेडिसिन क्यों ना ले, कुछ भी ले, वो खुद से करने दो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हमने करना स्टार्ट किया। और फिर देन ऐसे एक टाइम आया कि हमको अभी दादर वाले उधर कैंसर वाले हॉस्पिटल के पास कुछ बांटना था, तो आई वॉलंटियर एंड आई सेड व्हाटएवर पॉकेट मनी आई हैव आई वांट टू गिव फूड टू देम, फ्रूट्स देना है मुझे। तो मैं बनाना और कुछ और फ्रूट्स लेके गई थी, आई वेंट टू खुद जाके मैं पार्टी थी उस टाइम पे, एंड इट बिकेम वेरी बिग अप्रिशिएशन मूव, बट इट इज समथिंग लाइक आई हैव रिसीव्ड अवर टाइम इन माय चाइल्डहुड, जहाँ पे मुझे लोग मेरे जैसे टीनेजर, मेरे उम्र के बच्चे मुझे बोलते थे तेरी मम्मी पापा नहीं है तो तू हमारे साथ खेल नहीं सकती है, हमारे पास से चले जाओ। और ऐसे भी एक टाइम था जहाँ पे मैंने एक टोस्ट खाने के लिए मुझे किसी ने चप्पल से मारा था। सो व्हेन लाइक literally when I think from those kind of word, I feel like, you know, I am so privileged to be here, and you know, so privileged whatever I have, so why not give that little to somebody else, because mere paas to hai, like, you know, and now I have that capacity to give, but hum de sakte to kyun nahi kind of wala, to humne kiya tha wo cheez, वैसे छोटी छोटी चीजें हम हमारे communities के लिए करते रहते हैं जब भी मौका मिलता है, and it is again little happiness, right? So something that we do. अब जिस चैलेंजिंग फेस से गुजरे, अभी भी बहुत लोग हैं जो उस जिंदगी के मोड पे ऐसे रुके हुए, उनमें कोई उम्मीद नहीं है, अब उन्हें कोई मैसेज देना चाहिए? देखो, उम्मीद तो मैं कोई आके देगा नहीं, उम्मीद कुछ ऐसी चीज नहीं है जहाँ जो तुम शॉपिंग कर सकते हो या फिर तुम कहीं खरीद सकते हो, उम्मीद है तुम खुद में जगा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें जीने की इच्छा है तो तुम्हें उम्मीद भी तुमको खुद ही लाना पड़ेगा। ये मैं खुद के जर्नी से कहती हूँ, और ऐसे बहुत सारी लड़कियां क्रांति में जिनसे मैं खुद सीखी हूँ उनकी जर्नी से भी, कि सारे चीजें तुम खुद करोगे तो तुमको कहीं से हेल्प जाके बाद में मिलेगा। मैं खुद ही खुद के लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं, और मैं बोलूंगी मुझे कोई हेल्प कर दे तो नहीं लगे। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग इट सीरियसली कि मुझे सच्ची में समझ आता है, क्योंकि मैं वो दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है जब हमारे साथ कुछ नॉट जस्ट अब्यूज बोलो या फिर कुछ भी ट्रॉमाटाइज चीज हमारे साथ होता है, हमारे फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जिंदगी क्या है, कुछ नहीं है, बोरिंग है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तुमसे बहुत श्योरली कह सकती हूँ कि वो एक टाइम है कि तुमको लाइफ कुछ तो कहना चाहिए जिंदगी, बिकॉज जिंदगी का वैल्यू बहुत है और जिंदगी तुमको कुछ तो कहना चाहिए, और वो अगर वैल्यू और वो चैलेंज को तुमने एक्सेप्ट किया और तुमने उसको एक्सेप्ट करके कि था ना अब मुझे खुद के लिए जीना है, आई टेल यू तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तो मेरे लिए भी ऐसा चीज था कि लाइक यू नो कुछ भी हो, कुछ भी करना है, उम्मीद तुम खुद जगाते हो अपने अंदर, क्योंकि तुमको कोई और ला के दे नहीं सकता वो चीज, तो तुमको ही उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, उसी के ऊपर तुमको तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, कभी ऐसे होते हैं कि फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, बिकॉज वो टाइम जो होता है ना वो मोस्ट ट्रॉमाटाइज टाइम होता है, हम खुद को ही मानने लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इजी होता है तो हम खुद को मानने लगते हैं। मैंने भी 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, मैं मरी नहीं वो अलग बात है, पर मैंने भी खुद किया है, क्योंकि हमको वो इजी लगता है। वी पीपल लाइक टू चूज इजी थिंग, हमको स्ट्रगल करना ही नहीं है, हमको वो हार्ड रास्ता लेना ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है वो लॉन्ग लेगा तो हमको टाइम लगेगा, हमारा एज निकल जाएगा, हमारा चीजें निकल जाएंगे, या फिर हमको उम्र निकल जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा कि कैसे आगे जाके करना है, बट लॉन्ग रास्ता लेके ही तुम कहीं ना कहीं तुमको जहाँ पहुंचना है शायद वो वहां पहुंच सकते हो। तो कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि
ऐसे टाइम पे हम घुटने लगते हैं, हमको ऐसे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वही गलत हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही हूँ, मैं खुद मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, फ्रॉम लाइक लास्ट 3 years back इफ यू हैव मेट मी यू वुड हैव सेड द सेम थिंग. मैं उस टाइम भी भगवान से गुस्सा थी और मैं कहती थी, मैं भगवान पे भरोसा नहीं करती थी और मैं कहती थी कि अगर तू ऊपर होता तो मेरे साथ जो भी हुआ वो नहीं होता. पर नाउ आई नो कि अगर मैं नहीं होती तो कोई और होती, तो उनके ऊपर भी नहीं होता. कई बार मेरी थेरेपिस्ट, जो मेरी फर्स्ट थेरेपिस्ट थी, वो मुझे कहती थी कि मैं उसको कहती थी कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करती, वो है ही नहीं, अगर वो होता तो मेरे साथ ऐसे नहीं होता था. तो वो मुझे हमेशा एक चीज कहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत बुद्धू है, बकवास बातें कर रही, मुझे ऐसे लगता था. मैंने उसको मुंह पर 2 बार बोल भी दिया, अब बहुत बकवास बातें करती, मेरे को बात ही नहीं करना आपसे, ऐसे बोल भी दी मेरे थेरेपिस्ट को. क्योंकि वो कहती थी कि तानिया तुमको पता है भगवान उसी को परखता है जिसके अंदर उतनी क्षमता होती है उसे सहने की, और उसने तुमको परखा है बिकॉज उसे पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है उसे सहने की, और इसीलिए वो, क्योंकि वो जो कमजोर है उनको वो ये परेशानी में नहीं डालेगा, ऐसी चीजों पे नहीं डालेगा, तो उसी को वो चुनता है जिसको लगता है कि वो काबिलियत है उसका. तो आई एम हैप्पी, आई एम हु आई एम टुडे, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई एम हैप्पी दैट व्हाट हैव चोजन मी टू डू दैट. अभी आपने कहा, आपने अपने लाइफ के बारे में एक सुसाइड पॉइंट पे आए थे, एंड देन आपने कहा था आपने थेरेपीज वगैरह स्टार्ट किया था. बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मेंटल हेल्थ को ज़्यादा फोकस या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, पीपल स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड. मेंटल हेल्थ एक इंसान को सेफ और एक मायूस रखता है, मतलब मायूस इंसान को एक सेफ प्लेस में लेके जा सकता है. तो मेरा शायद जो भी सुन रहे होंगे ये टॉक्स या जो भी वॉच कर रहे होंगे इसे, मेरा उनसे कहना है कि कोई भी इंसान अगर तुम्हारे पास आता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, तो आई रिक्वेस्ट यू, लाइक लिटरली रिक्वेस्ट यू ऑल कि उनसे सुनो उनकी बातें. क्योंकि मैं 3 साल इसी स्ट्रगल में दबी रही हूँ ये सोच के कि मैं उनको बोल दूंगी तो वो मुझे ही गलत ठहराएंगे, मैं ये सोच के साथ, क्योंकि लोगों ने मेरे अंदर इतना, सोसाइटी ने मुझे इतना बर्डन कर दिया था उनके थॉट से कि तुम बताओगे तो तुम लड़की हो तो तुम ही गलत हो, तो तुम्हारी गलती है. तो जब कोई आता है उनको बिना जज करके उनको सुनो, उनको समझो, और कई बार बहुत मतलब उनको और जानने का ट्राई करो. और ऐसे बहुत सारे अभी के टाइम पे बहुत सारे फैसिलिटीज है, जैसे अपने अर्पण करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो लोग मेंटल थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. सो ऐसे सब कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करो, या फिर आपको कुछ पता है ऐसे जगह पे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करो, और ट्राई करो कि वो इंसान को आप हेल्प कर सकते हो. क्योंकि वो छोटा सा भी कदम लेके ना ही कर ले, तुम किसी का लाइफ सेव कर सकते हो. क्योंकि हर तानिया सुसाइड, हर सुसाइड करने वाली तानिया बच नहीं जाती है. मेरा लक था तो मैं बच गई, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. बट शायद ही हर इंसान को वो मौका नहीं मिलता है. आई एम सो ग्रेटफुल टू लाइफ कि मुझे वो मौका दिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार दिया है. सो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कोई ऐसे आते हैं तो सुनो, बिकॉज सच्ची में मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टेल यू व्हाई, बिकॉज यू माइट वॉचिंग मी राइट नाउ सेइंग दैट ये लड़की कितनी ब्रेव है, कितनी स्ट्रांग है, कितना स्ट्रगल लड़ी है इसने, क्या कुछ नहीं किया. आई टेल टू, आई स्टिल स्ट्रगल टूडे, I still struggle, I still cry, I still fell down, and I still get up and say myself ki you can do this. It is your time, it is your garden to, you know, literally use पालो, उसे पोसो, उसके ऊपर गार्डन बना, उसके ऊपर फूल उगाओ या फिर उसके ऊपर फल उगाओ, कुछ भी करो, it is you. You have such a beautiful energy. What will you choose? Books or movies? Movies. Okay. Fake it or make it? Make it. Kismat ya mehnat? Mehnat. Superpower or willpower? Willpower. Hard work or smart work? Hard work. According to you, COVID is a blessing or curse? I think COVID both. कर्ज भी हो सकता है या फिर ब्लेसिंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हर अच्छे चैप्टर के साथ बुरी चैप्टर्स भी आते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम के साथ लेसन्स भी आते हैं. सो यू कैन टेक इट एज अ बोथ. आप कौन सी लाइफ चूज करना पसंद करोगे, अमीर पर उदास या फिर गरीब पर खुशहाल?
गरीब प्रोफेशनली मैं पूरी जिंदगी वैसे ही जीना चाहूंगी, नॉर्मल फैमिली. व्हाट मैटर्स यू मोस्ट, लुक्स और पर्सनालिटी? पर्सनालिटी. कौन सी लाइफ आपको अच्छी लगेगी, सोशल मीडिया की पहली वाली लाइफ या सोशल मीडिया की बाद वाली लाइफ? सोशल मीडिया की बाद वाली लाइफ, बिकॉज पहली वाली लाइफ मैंने जिया है और अब मैंने चूज किया है कि नहीं जीना उस. सो या ओके. आपका कोई मैसेज आज की यंग जनरेशन को आप देना चाहोगे? आई थिंक सब लोग सुनते हैं, ये नॉर्मल है और शायद मैं बोलूंगी तो कोई बोलेगा कि ये भाषण दे रही है, पर भाषण ही समझो. जी कुछ करना है तो खुद को खड़ा होना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा. मम्मी सपोर्ट करेगी, डैड पैसे दे देंगे, पर मेहनत खुद को करना है. सो इट्स बेटर तुम खुद करो और जज लेस करो, खुशियाँ जी खुशियाँ बांटो और खुशी रहो. दैट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू से कि खुश रहो और खुशियाँ बांटो, बिकॉज वो एक चीज है हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं ढूंढने में यार. और कहीं टाइम तक तो आज के टाइम पे लाइक हम मैं बहुत ब्लस्ड हूँ सच्ची में कि मुझे क्रांति जैसा स्पेस मिला और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में जो मुझे आज मैं 25 साल की और आज के टाइम पे मुझे ये समझ है कि खुशियाँ मैटर करती है एट द एंड. बिकॉज आई नो पीपल हु इज 50+ एंड स्टिल फिगरिंग आउट कि खुशी कैसे मिले. थैंक यू सो मच, इट वाज सो इट फेल्ट सो ब्लेस्ड टू हियर यू. यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू. वी हैव वन स्मॉल ट्रेडिशन कि हम लोग हर एक शो के बाद ये एक साइन करवाते हैं रूबी का, सो प्लीज कैन यू ओके.